पीछे का व्यू ये है, ये चाइनीज मूवीज में दिखता होगा ऐसा। एक बार बोल कर दिखा, एक लाख देगा कदे एक लाख जाए ना लाख। यहाँ पर बारिश आई हुई है, बारिश में भी घूम रहे हैं, बीच पानी में भी मार्केटिंग चल रही है इनकी, मार्केट है यहाँ पर। देखो ये यहाँ पर क्या बेच रहे हैं। सो गाइस व्हाट्सअप, इट्स लास्ट डे ऑफ आवर टूर एट श्रीनगर। आज हमारा लास्ट दिन है, शाम को हम चेकआउट करने वाले हैं। शाम को नहीं, अभी चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि दो एक्टिविटीज और करनी है हमें। एक तो शिकारा राइड, शिकारा होती है यहाँ पर जो बोटिंग होती है ना डल झील में वो, और दूसरा हमें शालीमार विजिट करना है, गार्डन है कोई। मेरे ख्याल से 5 बजे की अपनी फ्लाइट है, तो 2:30 PM तक हमें एयरपोर्ट भी पहुंचना है। तो अभी टाइम होता है 8:30, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके जस्ट बाद निकल पड़ेंगे, जल्दी से अपनी दोनों एक्टिविटीज करेंगे और भाई उसके बाद एयरपोर्ट पर चले जाएंगे, अपना चेक इन करेंगे वहां पे। क्या ढूंढ रही है? और यहाँ पर हमारी कन्फ्यूजन हो रखी है क्योंकि मैं बोल रहा था कि इट्स लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप, तो भावना बोल रही है कि वो ट्रिप नहीं होता, ट्रिप होता है एक दिन का, टूर होता है कई दिन का, ऐसा ही है। हाँ जी, लॉन्ग जर्नी है, ट्रिप होती है शॉर्ट आउटिंग। अच्छा, एंड टूर होती है लॉन्गर जर्नी। ओके, अगर मैंने कभी ट्रिप बोला हो तो मेरी तरफ से सॉरी भाई, चलता रहता है यार थोड़ा बहुत। वो ठंडी लग रही है, बारिश बारिश हुई है रात को, रात में भी हुई है, अभी भी हो रही है बारिश। हाँ वो यार आज का प्रोग्राम कैंसिल लग रहा है मेरे, शिकारा कैसे करेंगे? मेरी तरफ नहीं हो कैमरा, ऐसे ही भाई, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, और शिकारा तो ऊपर में होती है भाई, जो हमारी बोटिंग होती है पानी में, मुझे कैंसिल लग रहा है आज का। शालीमार भी तो ऊपर में है, देखते हैं। ऐसे बनती है सबको, गर्म गर्म चाय। हाय हाय, ब्रेकफास्ट, ये खाने क्यों चला रहे ऐसे? यही गाने मिलते क्या इनको? कितने गंदे गाने हैं। मैगी बॉडी बनेगी मैगी से। अच्छी है वैसे, इतनी बुरी भी नहीं है। वाह, मेरी एक्टिंग देखकर मुझे देखती रहती है। क्या देखते हो? बोल 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 बोल, मैं शब्द इस नश्वर शरीर में क्या क्या दबा रखा है वो सब गूगल दो। हरियाणवी में बोल दूंगी। क्या ये बोल रही है? मैं हरियाणवी में बोल दूंगी। बोल के एक बार बोल कर दिखा, एक लाख देगा कदे ना लाख जाए, कदे एक लाख जाए कदे ना लाख जाए। मैं साई उमार दिया गुरु, और मैं खा लिया हूँ। और भुखड़े भाई, भूखी है कुछ भी खा लेती है, थप्पड़ खिला दो बेशक। हरियाणी कैसी लगी भाई हमारी? अरे जबरदस्त बोलते हैं हम। पूरी वीडियो शूट कर ली थी, बाद में ये बताती कि वीडियो तो चालू ही नहीं है, मुंह से निकला ओ। ओ माय गॉड, ये बटर वाले आपके हैं? हाँ मेरे। जैम वाले खा लो? नहीं। क्यों? मुझे अच्छे नहीं लगते। क्या दिक्कत है? मैंने कभी खाए नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने सुना आप जैम और सॉस वाले कभी नहीं खाते है ना? जैम और सॉस, अरे दोनों वो है, सास बहू है, जैम की सासू सॉस है। उसको बहुत ज्यादा अफसोस है कि वो उसकी सासू क्यों है। क्या बोलता रहता हूँ मैं, सॉस को अफसोस है। रुक जा, एक लग गया ना, लग गया ना, एक को नहीं मारूंगा। मेरी पीछे बंद रही है। बंद रही है वुमन। भैया का स्टाफ इतना अच्छा था, इन्होंने खुद की सिम प्रोवाइड कर दी थी मुझे, मुझे अपनी कहीं से बाहर से परचेज नहीं करनी पड़ी थी, तो सिम लोड आने का टाइम आ गया। इससे खुलेगी नहीं भाई, वो वैसी पिन थी ना जो उससे भाई। ये हमारा कश्मीर श्रीनगर का पहला ट्रिप था, हमें पता नहीं था यहाँ के लोग कैसे हो गए, हम थोड़े डाउट में थे, लेकिन जो यहाँ का
होटल है फ्रेनो प्लाजो है, यहाँ का स्टाफ भाई जबरदस्त था। हम वेजिटेरियन लोग थे, हमें पता नहीं था खाना कैसा मिलेगा, खाना जबरदस्त था भाई, माइंड ब्लोइंग था। और इनका बिहेवियर भाई दिल को छू गया, सबको मेरा दिल से प्यार भाई। आप लोगों का तो गाइस चेकआउट करने का टाइम आ गया भाई, ये हमारा लास्ट डे था यहाँ पे। अभी यहाँ से निकलते हैं अपना सामान लगेज लेके, और इसके बाद हमें शिकारा राइड पर जाना है। पहले निकल लेते हैं, अभी टाइम हुआ भाई 10:25। ओहो, इसने सोचा कहीं दोबारा स्टोरी ना डाल दे। उस दिन मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया था, वो बात दिल पे लगी भाई इसके। उसके बाद खुद ही सामान खींच दिया, चल ले यार नीचे। वैसे भी तू बोलती है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, देखना अब श्रग्स करती आएगी शोल्डर। ओ भाई रहने दे, गिर की तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। रहने दे, मैं उठा लेता हूँ। हैवी वाला दे मुझे, यू नो उतरी। हाँ चलिए भाई, चलने का टाइम आ गया मोटो। बहुत दिन का टूर रहा ये, क्या बोला था मैंने, पहले दिन ऐसा लगेगा कब जाएंगे, फिर वही बोला था कि थोड़े दिन बाद ये लगेगा कि हो भी गया, यही था टूर बस। और अभी वही टाइम आ गया, चलने का टाइम आ गया। अब बोल रहे हैं बस इतना ही था, घर जाने के बाद बोलेंगे यहाँ तो गए ही नहीं थे। सिर्फ मेमोरीज रह जाएंगी। हाँ मेमोरीज साथ है, और जो फोटोज सेल्फीज वीडियोज थी वो चीजों को एवरग्रीन रखेगी हमेशा, है ना। हाय इतनी जल्दी हो गया, पहली बार इतने दिन के टूर के लिए बाहर निकला हूँ मैं, सही बताऊँ निकला था। नहीं अब तो शाम को घर पे ही होगी, घर का खाना खाएंगे, घर वालों की भी याद आ रही है। आपकी भाभी का बर्थडे है। हाँ और मेरी भाभी का भी बर्थडे है। हाँ जी भाई। सर हेलो, कैसे हो भाई? बढ़िया सर। भाई ये होटल स्टाफ वाले थे, बहुत जबरदस्त नेचर था भाई इनका, मजा आ गया मुझे। थैंक यू सो मच सर, ऐसे लोग मुझे कहीं भी नहीं मिले आज तक, सच बताऊं भाई। थैंक यू सर, दिल से धन्यवाद भाई आप लोगों का। थैंक यू सो मच। चलिए भाई बोटिंग में जबरदस्त मजा आ रहा है। यहाँ पर बैठने की तो जगह होती है, लेकिन यहाँ पे लेटने की भी जगह है। आराम से लेटे हुए थे, जैसे लग्जूरियस बेड है। अरे अरे कैसी टोर रही अपनी, टावर कैसी रही, टावर गजब जजब, टाइपिंग मिस्टेक वाले कई बार जजब लिखते हैं। थैंक यू बोलो जियाजी को। जी जाजी जिसके आगे जी जिसके पीछे जी, मैं उनकी साली हूँ, वो मेरे जी जाजी। क्या बोल रही है। और ये भंडे होते हुए, अच्छा सर जी कश्मीरी कावा पिलाऊं? नहीं भाई अभी पीकर आए हैं। वाओ यहाँ पर बीच लेक पर भी मार्केटिंग चल रही है। नहीं भाई पी क्या है, बस पी क्या है, पी के जबरदस्त काम है भाई। बीच पानी में भी मार्केटिंग चल रही है इनकी, मार्केट है यहाँ पर। देखो ये यहाँ पर क्या बेच रहे हैं, ये पड़ेगा 400। दूसरी नाव आके टकरा रही है, बोल रही है क्या चाहिए, बोलो आपको क्या पीना है। ये यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे थे बीच पानी में, आपको फोटो क्लिक करवाना हो तो। सही है भाई, ऐसा भी होता है, पहली बार देखा है, मतलब दिमाग में भी नहीं आते ऐसे आइडिया, यहाँ पर जब देखे तब पता चला कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। कमाल यार, दिमाग होना चाहिए बंदे में, कहीं भी कमा सकता है वो भाई। एक जबरदस्त चीज बताता हूँ यहाँ की,
यहाँ पे फ्लोटिंग फील्ड है, तैरते हुए खेत, यहाँ पर लोग कुछ भी उगाते हैं इन पर। ये जो है ना, ये डंडे से बंधे हुए हैं, इनको हम खींच के हिला भी सकते हैं, तो इन पे ये लोग सब्जियां और फल भी उगाते हैं। पानी पे, पानी पे खेत है ये वाले। और ये फोटोज क्लिक कराने के लिए देखो क्या क्या झंझट कर रही है। कैसे हो भाई? अब हाँ हाँ डालूंगा भाई। भाई अभी हम शालीमार गार्डन आ चुके हैं। यहाँ पे जितने भी गार्डन है सब में 24 की टिकट्स है, अडल्ट की 24 की, चाइल्ड की 12 की। तो अभी यहाँ एक्सप्लोर करते हैं क्या मिलेगा, कैसा गार्डन रहेगा। चलिए एंट्री कर लेते हैं भानु के साथ। भानु हमारी गाइड है यहाँ पर। मैडम कहाँ से एंट्री करनी है? क्या नहीं है, है, कुछ खास है नहीं, जैसे नॉर्मल गार्डन होते वैसे ही होते हैं। बस ये है कि हाँ टूर पे आए हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करने को मिल जाता है, फोटोज क्लिक हो जाती है बस। और इससे ज्यादा क्या होगा भाई, पेड़ पौधे होते हैं है ना भाई। यहाँ पे भानु अपने फोटो क्लिक करती हुई मेरे, मैं साथ में व्लॉग बना रहा हूँ। पीछे का व्यू ये है, ये चाइनीज मूवीज में दिखता होगा ऐसा। यहाँ से व्यू सेलेक्ट करो, व्यू वो कहीं से भी फोटो क्लिक कर देती है भाई। उसको आदत नहीं ना फोटोग्राफी की, आदत तो मुझे भी नहीं है, बट इंस्टाग्राम चला चला के आदत हो गई है भाई। लास्ट प्लेस भी एक्सप्लोर कर लिया, अब यहाँ के बाद सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलना है। पहले थोड़ा कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर बारिश आई हुई है, बारिश में भी घूम रहे हैं क्योंकि बार बार नहीं आया जाता ना बारिश। तो क्या देखो देखो, हाथ ठिठुर भाई, फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा मुझसे, नाक बह रही है और पता भी नहीं चल रहा। इसने बताया कि नाक बह रही है पहुंच लो, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है, हाथ जमे पड़े यार। ओ टूर अच्छा रहा, कुल मिला के 6 दिन का टूर था, मजा आ गया भाई। ये फाइनल लोकेशन थी अपनी, शालीमार बाग, मुगल गार्डन शालीमार। क्या नहीं, मुगल गार्डन शालीमार पूरा नाम ये है। मुगल गार्डन निशात था, हाँ। ये मुगल गार्डन शालीमार, और वो था मुगल गार्डन चश्मे शाही है ना, हाँ। मुगल गार्डन जरूर नाम है इनका भाई। मैडम की शॉपिंग हो चुकी है यहाँ पर, क्या क्या ले लिया? मैंने तीन स्टॉल, एक शॉल, एक शर्ट। अभी खाना ढूंढ रहे हैं आप खाना। हाँ सो गाइस, भाई हम 2:30 के आसपास, अरे 2:30 के आसपास यार, 2:30 या 2:45 के आसपास यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचे थे। और अभी 5:25 की अपनी फ्लाइट है, तो पड़े हुए हैं ऐसे लफ एंड ड्रॉ की तरह। मैं पड़ा हुआ ऐसे, ये तुम्हारी बात ही नहीं, मेरा तरीका दिखाना एक बार लेट रहेगा यहाँ पे। मैं नहीं हूँ। तो भाई ऐसे ही पड़े हुए हैं, और साथ ही साथ व्लॉग की एडिटिंग चल रही है। जो परसों अपलोड नहीं कर पाया था ना, वो वाला व्लॉग अब एडिट कर रहा हूँ भाई। रेस्ट नाम की चीज़ ही नहीं है, इतना सारा हेडेक है ना, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के लिए स्पेशल वो वीडियो को प्यार जरूर देना। थोड़ी देर में अपनी फ्लाइट आने वाली है, फिर हम उठ जाएंगे, दिल्ली उतर जाएंगे, फिर वही रूटीन कल से। शिट, निकल गए ना 6 दिन तक। तो भाई लाइन स्टार्ट हो चुकी है बोर्डिंग के लिए, अभी 2 मिनट के अंदर हम अंदर होंगे। क्यूज है तो आप दोनों क्यूज यूज कर सकते हैं। जी 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 जी, अभी 15 मिनट के अंदर टेक ऑफ और 1.25 घंटे के अंदर दिल्ली। ये भाई इतनी लालची है, इसके बैग में टॉफी पड़ी थी। वो रह गई पीछे, बात भी पूरी नहीं हो पाई। तो भाई वो आ गई पीछे, बात वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये सोचिए भूल गया हुआ, हाँ बात नहीं भूला हूँ मैं भी। तो इसके बैग में टॉफी पड़ी थी कई सारी, मैंने टॉफी मांगी, मुझे तो दे दी एल्पनलीबे
और खुद निकाली पल्स वाली जो बढ़िया होती है अंदर से, वो बोल रही है ये ऐसे ही निकल गई, एक नंबर ही वो ये क्या इधर। अरे फेस क्यों छिपा रहे हैं, कुछ गलत काम थोड़ी किया है, फेस वो छिपाते जो गलत काम करते हैं। इधर देखो बेटा, ऐसे क्यों फेस छिपा रहे हो, गलत काम थोड़ी किया था आपने, एक टॉफी तो चुराई है और कुछ गलत काम थोड़ी है, खाई है खाई, और मैंने तो नीचे पड़ी हुई उठाई खाली। कौन सी सीट आपने, नजदीकी आ गई यही है फिर विंडो वाली पे बैठ गई, तो उस दिन भी मुझे दूर कर दिया था, आज ही साइड आ जा। और भाई ये प्लेन हमारा खकाटा बांधता हुआ टेंटन है, और ये भाई कानों की हवाएं कम होती हुई, एयर प्रेशर कम होता हुआ एकदम कानों में पपीनी बज रही है। अब ये धरती छोड़ने वाला है प्लेन, और ये छोड़ दी, और ये सब छोटे होते हुए काफी ऊपर आ गए भाई, एकदम बहुत तेज चला रहा है भानू, काफी तेज चला रहा है एकदम सब छोटा कर दिया इसने। ओ भाई तो भाई फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, सोचा था व्लॉग में बाहर का नजारा दिखाऊंगा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर सिर्फ धुंध है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा बाहर का देखो, तो इसलिए अब एक ही काम बचता है, आराम से सो जाता हूँ। भानु ऑलरेडी सो चुकी है, मैं भी सो जाता हूँ। अब बादलों के ऊपर खुले में और उससे ऊपर फिर बादल, इनफैक्ट हम बादलों के बीच में हैं। खावे तो थोड़ा बथेरा तो खावे, बोले